इस वक्त की बड़ी खबर उज्जैन जिले के ताजपुर क्षेत्र से आ रही है, जहां बाघ दिखाई देने से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। ग्रामीणों के अनुसार पिछले 10 दिनों से क्षेत्र में बाघ देखा जा रहा है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल किया जा रहा। वहीं बाघ को पिंजरे में कैद करने के लिए ग्रामीणों ने वन विभाग को लिखित शिकायत दर्ज कराई है। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम ने पैरों के निशान को देखकर बाघ की पुष्टि की है। इस बड़ी खबर के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं तराना सहयोगी कल्याण सिंह तोमर। कल्याण सिंह, कब से क्षेत्र में बाघ देखा जा रहा है और ग्रामीणों का क्या कहना है इसको लेकर? ग्रामीणों की माने तो 10 दिन पहले से यहाँ पे बाघ के बच्चा है, उसकी हलचल देखी जा रही थी। पर 4 दिवस पूर्व एक वीडियो सामने आया था जिसमें बाघ का बच्चा साफ दिखाई दे रहा है। और एक प्याज के खेत में जब वन विभाग की टीम को जानकारी लगी थी, वन विभाग की टीम भी मौके पर पहुंची थी। एक जो प्याज का खेत है उसमें बाघ के पैर के निशान पाए गए हैं और टीम लगातार उसको ढूंढने की कोशिश कर रही है, पर अभी तक हमें भी हासिल नहीं हुई है। 10 दिनों से किसान जो यहाँ किसान है बहुत परेशान है। जी जी, क्या पहले भी बाघ देखे जाने की सूचना वहाँ पर मिल चुकी है? ये जंगली क्षेत्र है और इसके पहले ऐसी सूचना तो नहीं थी। उज्जैन में जरूर निकला था, पर यह ताजपुर क्षेत्र में पहली बार बाघ निकला है। जी, किस तरह से वहाँ के रहने वाली ग्रामीण जनता को बाघ से अलर्ट किया जा रहा है? ग्रामीणों में भारी दहशत है। रात के समय किसान पालक पे नहीं जा पा रहे हैं, दिन में भी जंगली क्षेत्रों में जाने में डर रहे हैं। जब तक ये बाघ का नहीं पकड़ा जा सकता, जब तक किसान परेशान है। जी, वैसे वन विभाग का हमला पूरा कोशिश कर रहा है, पर अभी तक कामयाबी हासिल नहीं हुई है। जी जी, वन विभाग को सूचना कर दी गई है, सर्चिंग अभियान भी जारी है। क्या खेतों में कोई नुकसान की आशंका अभी तक जताई जा रही है? नहीं, खेतों में कोई नुकसान की आशंका नहीं है। सिर्फ ये दहशत में है, ग्रामीण और किसान दोनों दहशत में है। जी, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। जी, बता दें खबर है तराना से, जहां ताजपुर में बाघ नजर आया है। बाघ की दस्तक से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। बाघ का वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर इस वक्त वायरल हो रहा है। ग्रामीणों ने वन विभाग को इसकी सूचना भी कर दी है।